jungle. क्वेटा टू कराची कौमी सड़क को डबल करने के लिए कराची प्रेस क्लब से निकलने वाले लॉन्ग मार्च के शुरू का अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा। मगर अफसोस की बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ चार लोग क्यों, क्या इस रोड पर सिर्फ इन चार लोगों के खानदान सफ़र करते हैं? इस लॉन्ग मार्च में शामिल होना हर उस पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है जो इस रोड पर सफ़र करते हैं, मगर कराची से लेकर विंदर तक इनके साथ किसी भी पार्टी आवाम में से किसी ने भी अपने ज़िले से अगले ज़िले तक मार्च नहीं किया। सियासी रहनुमा तो हर ट्रैफिक हादसे के बाद इस रोड को डबल करने के लिए बयान तो दे देते हैं, मगर लॉन्ग मार्च में शामिल न होने को गवारा नहीं समझते। MPA है, मैंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हुकूमत के खिलाफ और अपने सियासत को चमकाने के लिए बयान देते हैं। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए मुल्क भर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन इस रोड को डबल करने के लिए इस लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्ट वाले भी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मगर वो भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं। अगर हुकूमत को जगाना है, कौमी शाहरा को डबल कराना है, तो हज़ारों की तादाद में लॉन्ग मार्च में शामिल होना होगा। अगर हम इनके साथ क्वेटा तक लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने ज़िले से अगले ज़िले तक इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, क्योंकि इस कौमी शाहरा ने ट्रैफिक हादसात में हमारे बहुत से प्यारे हमसे अलग कर दिए, मगर हम इसको डबल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाते। हमें इस लॉन्ग मार्च में हज़ारों की तादाद में शामिल होना चाहिए ताकि सोई हुई हुकूमत जाग जाए। रिपोर्टर यासर खान, रियल टाइम न्यूज़, बलोचिस्तान।